हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है बटन रोज़ एंड ग्राफ्टेड रोज़ के ऊपर डाल रही हूँ मैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों जो है हम बटन रोज़ के अंदर जो है नीचे से शूट्स निकलती है उसको निकलने देते हैं, और ग्राफ्टेड रोज़ में अगर नीचे से शूट निकलती है तो उसको हम हटा देते हैं, उसका रीज़न बताऊँगी। और देखिए कितने सारे बटन रोज़ इसमें आए हुए हैं। अभी तो कम हो गए क्योंकि 2-3 दिन बारिश आई तो उससे झड़ गए हैं, पत्ते भी काफ़ी डैमेज हुए हैं इसके, इसके भी बहुत डैमेज हुए हैं नीचे पत्ते, देखिए कैसे गिर रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश थी 2-3 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बटन रोज़ का प्लांट जो है इसमें खुशबू नहीं होती है बटन रोज़ में, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स लगते हैं। ये देखिए, ये अगर आपके पास एक शूट भी है तो भी ये प्लांट जो है आप इसको हरा भरा कर सकते हैं, और बहुत सारे शूट्स निकलती रहती हैं। देखिए इसके नीचे से शूट्स निकलती रहती हैं, इसको हम हटाते नहीं हैं, ये शूट ही जो है आगे निकल कर पूरा जो है फ्लावर को बनाती है, और फ्लावर्स इसके टिप के ऊपर निकलते हैं, ये देखिए है ना, और बहुत निकलते हैं। इसकी मेरी एक ही शूट बची थी, पूरी उसमें गर्मी के अंदर ख़राब हो गया था, बट जब मैंने सितंबर में इसमें खाद वगैरह सब डाल के और इसको तैयार किया तो इसके अंदर अब देखिए कितने सारे शूट्स निकली हुई हैं, उससे भी ज़्यादा जो है इसमें फ्लावर्स निकले हुए हैं, है ना। ये देखिए कितने फ्लावर्स निकले हुए हैं। और इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टेड में अगर साइड में शूट निकलती है तो उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि वो जो है शूट नहीं होती एक्चुअली, वो एक सकर्स होता है जो पूरी एनर्जी को है प्लांट की एब्जॉर्व कर लेता है, और प्लांट को फ्लावरिंग नहीं होने देता और ना ही ग्रोथ होने देता है। तो ग्राफ्टेड रोज़ में अगर साइड से शूट निकलती है ग्राफ्ट एरिया से अलग, जैसे ये ग्राफ्ट एरिया है, अगर इसके ऊपर निकलेगी तो ये परफेक्ट निकलेगी, ये फ्लावर देगा ये प्लांट, लेकिन अगर इसके साइड से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, तो ये फ्लावर नहीं देगा, ये शकर्स होते हैं और ये जो है पूरी प्लांट की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसमें ग्राफ्टेड रोज़ में आप हमेशा इसको हटा दें, बट अगर बटन रोज़ में अगर साइड से शूट निकल रही है तो इसको निकलने दें, ये प्लांट को जो है हैवी बनाती हैं। सेकेंड जो है इसके अंदर इतना फ्लावर का आने का एक रीज़न भी बताती हूँ, क्या है कि ये हैवी फीडर है, इसमें 15-20 दिन के अंदर गुलाब के अंदर हमें फीडिंग करनी ही पड़ती है। तो इस बार मैंने क्या किया, इसी के अंदर जो है परमानेंट सिस्टम कर दिया, बॉटल को होल्ड करके, और जितना भी मेरा किचन वेस्ट होता है वो इसके अंदर मैं डालती रहती हूँ, जिससे कि नीचे जो है अपने आप ही इसमें खाद बन के पौधे को अपना जो है फूड मिलता रहता है, और मेरे को बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीच बीच में डाल देती हूँ 15-20 दिन के अंदर, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, और इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। बटन रोज़ में वैसे भी बहुत फ्लावरिंग होती है, तो बटन रोज़ आप अगर आपको घर को डेकोरेट करना है गुलाब से तो आप बटन रोज़ को ज़रूर लगाएं, और फुल डे की सनलाइट के अंदर रखें इसको, और 15-20 दिन में या महीने में एक बार इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर करें, नीम ऑयल का और लिक्विड सोप का, तो उससे भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और थोड़े थोड़े टाइम बाद वही थोड़ा सा एक चम्मच नीम खली और एक चम्मच जो है बोन मिल्क इसके अंदर डालते हैं, और चाय की पत्ती डालते रहे तो इसमें जो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपने बटन रोज़ के अंदर खूब फ्लावर्स ले सकते हैं, जितने फ्लावर्स हैं उससे भी ज़्यादा जो है इसमें कलियाँ भी आ रखी हैं, ये देखिए है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही, हम फिर किसी दिन मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।